बसमिल नाजी दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुकता नज़र मैं हूँ आपका मिसपान मोहम्मद अजमल जामी स्टूडियोज़ में तशीफ रखते हैं जनाव मजबूर रहमान शामी साहब बिल आखिर काबी शहबाज शिफ सरकार की तशकील पा गई सैंतीस रुकनी काबीना ने आज हल्फ उठाया है जिसमें तीस विफाक वज़रा चार वज़र मुमलिकत और तीन मुशीर शामिल हैं सदर ममलिकत के अलील होने की तलात हैं एक बार फिर से उनकी अदम मौजूदगी में कायम मुकाम सदर यानी चेयरमैन सैनट सदक सिंरानी ने हलफ़ लिया वुज़रा से इसमें कौन कौन शामिल है कितने नए चेहरे शामिल हैं इस पर बात करेंगे और बिलावल भुटो जरदारी तकरीब में तो शरीक थे हलफ़ क्यों नहीं उठाया हिनाबानी खर वजीर ममलिकत ब्र ख़ारजा के तौर पर तो हलफ़ उठा चुीं फ़ौन ऑफिस भी जा चुकी हैं लेकिन बिलावल भुटो की ख़बर थी कि वो वजीर ख़ारजा के तौर पर हलफ़ उठाएँगे क्या हुआ ये भी बात करेंगे मुस्फा नवाज़ खोखर साहब ने वजारत लेने से माजरत की ज़ाती वजूहत की बुनियाद पर इस मामले पर बात करेंगे और बी एन पी मैगल नाला दिखाई देती है मोहसिन दावड़ साहब और बी एन पी मैंगल और एन पी को लेकर के इतला यह है कि बिलावल भुटो जरदारी साहब ने जिनसे वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए इसलिए वो डेड लॉक किसी कीफियत की ख़बर है इन तीन अहम अमूर पर बिटवीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेकिन काबीना चूंकि बन चुकी चैलेंजेस क्या हैं अगले अहदाफ के हैं इस पर बात करेंगे और फिर पंजाब का जो सियासी और आइनी बहरान है वो मजीद दिलचस्प या गंभीर कह लें होता जा रहा है क्योंकि हमजा शहबाज ने दरख्वास्त दी थी लाहौर हाई कोर्ट में कि हलफ बर्दारी के लिए लाहौर हाईकोर्ट अहकाम जारी करें लेकिन दरख्वात नामुकम्मल फरार देकर वापस कर दी गई है और फिर उस्मान गुजार साहब के इस्तीफ़े पर मज़ीद एक तकनीकी मामला खुलकर वाजे सामने आ रहा है कि उनका इस्तीफ़ा वजी अज़म के नाम है मुतल अथॉरिटी के नाम नहीं इस पर कानूनदान क्या कहते हैं ये भी मामला ज़ेर बहस रहेगा और कल इमरान खान साहब ने कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर चीफ इलेक्शन कमीशनर की तयनतीमल में लाई गई उनकी अपनी काबीना क्या कहती है और फिर काजी फ़ायसा के हवाले से फ़रू नसीम और फवाद चौधरी क्या कहते हैं ये भी आज प्रोग्राम का हिस्सा रहेगा सर सदर अलील हैं सर संजरानी साहब ने हलफ़ लिया है कोई उमदा रवायात तो नहीं है कि सदर ममलिकत के होते हुए बार बार हलफ संजरानी साहब ले रहे हैं चलिए अगर वो अलील हैं दुआ सेहत की एक्चुअली तो दुआ सेहत की जानी चाहिए लेकिन कम अज़ कम उन्होंने कोई उड़चन तो नहीं डाली ना नादक संजरानी साहब जो हैं उन्होंने हलफ ले लिया और मामला चल पड़े यहाँ गवर्नर पंजाब जो हैं वो कहते हैं ना हल्फ लूँगा ना किसी को लेने दूंगा तो एक उन्होंने तो और तरह की सूरत हाल पैदा कर रखी है हाँ डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने अलबत् जो गवर्नर पंजाब की बरतफी का हुक्म था या वज़र अजम की एडवाइस थी उसको अभी तक नहीं, उन्होंने नहीं किया उन्होंने गवर्नर को काम जारी रखने की हिदायत की और उसके ऊपर ट्वीट भी किया जो कि पब्लिक जबकि जो गवर्नर पंजाब जब सर्वर साहब थे इधर खबर आई और उधर वो उधर उनको फारग कर दिया गया फिर नया गवर्नर मुकर हो गया तो हमें देखना चाहिए बल्कि उस रोज़ हम वजर अजम हाउस में थे जब इमरान खान साहब से आप समय सहाफ़ियों की मुलाकात हुई तो अभी ख़बर नहीं आई थी और गवर्नर सर्वर जो उस वक्त के थे वो बाहर टहल रहे थे फ़ोन पर बिजी थे और कुछ परेशान दिखाई दे रहे थे जैसी मुलाकात से बाहर निकले तो मालूम हुआ कि ये गवर्नर नहीं रहे वो छोटे असर तो बदला हुआ ज़माना था वो हमारे एक बुजुर्ग हैं वो अपना जयाउद्दीन जहांगीर साहब वो तरह तरह के मुझे ट्वीट करते रहते हैं मैसेज भेजते हैं अच्छा। छोटे मोटे मजामिन भी भेज देते हैं हाँ तो उन्हें कहा जी पाकिस्तान का साथ मामल का ऐसा होना चाहिए जो पाबंद सामसलात हो अच्छा। परहेजगार हो फिर उन्होंने नाम तजवीज़ किए क्या कि भाई जनाब सरीना ईसा और राजा जफर और आपकी शौकत या जनरल इनमें से किसी को सदर बना और मैंने कहा भाई हमारे जो मौजूदा सदर है, हैं पाबंदे सोम सलात हैं और परहेजगार शख्स हैं साफ सुथरे बड़ी अच्छी हामिल रखेंत एक पॉलिटिकल कारकुन है और डेंटिस्ट भी हैं तो आप ये क्या बातें कर रहे हैं भाई आपके बुजुर्गों ने जो नाम तजवीज़ किए वो तो लगते हैं खास मकतबा फिक्र या खास बस अपने तो आते रहते हैं ना है, मैंने तो सुना दिया कि मैंने कहा ये ऐसे बेशुमार मैसेज आते हैं कोई फला का नाम तजवीज़ करता है को अब कोई जरदारी साहब का नाम तजवीज़ कर रहा है उनको सदर बनाया जाए ठीक अब यह है कि नून लीग के हैं चौदह पीपल्स पार्टी के नौ जे यू आई फे के चार एम के एम के दो बाप के और जमहूरी वतन पार्टी के एक एक वजीर शामिल हैं यासर मलिक साहब है 14, आप इन दिनों हुकूमत के मामला को काबीना साजी के मामला को तो बड़ी खरी खरी खरी, करीब चेहरे हैं उन्होंने यानी बहुत से लोग बीस के करीब ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले कोई वजारत नहीं की उसका नहीं देखा जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा जो उहदा जे बहस है अपार्ट फ्राम सो मैनी अदर कैबिनेट मैंबर्स वो ऑन चौधरी साहब का है क्योंकि वो एक ज़माने में इमरान खान साहब के इंतहाई करीब समझे जाते थे महतमद ख़ास थे उनकी यानी घरेलू मामलों में भी उनका अमल दखल था बहसीत स्टाफ ऑफिसर या जो भी कह लें नाम दे लें दो, दो दोस्त थे।, थे तो अब वो शबाशिफ़ साहब के मशीर भी होंगे तो इस पर ज़रा ज़्यादा वो फिर जहांगीर तरीन साहब से बड़ा करीबी ताल्लुक रहा उनका उस ग्रुप से भी उनका बड़ा ताल्लुक है बस ये तो फिर ऐसा होता है इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में यासिर मलिक साहब असलम ये फरमाइए सबसे पहले ये मोहसिन दावट साहब ए एन पी या बी एन पी मैंगल इन तीनों की नुमाइंदगी तो कैबिनेट में नहीं क्या कैबिनेट में होना जरूरी थी बिटवीन पीपल्स पार्टी नून लीग कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग थी क्या ताजा खबरें और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हलफ क्यों नहीं लिया बहुत शुक्रिया जामी साहब और शामी साहब देखिये आज जब ये कैबिनेट का हल्फ हो रहा था काबीना का हुँ. तो इस दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो पहुंचे हैं वाले सदर में लेकिन उन्होंने अपनी जो वजारत खारजा का उनको कलमदान दिया जाना था उसका उन्होंने हल्फ नहीं उठाया जरा ये बताते हैं कि दोनों पार्टियों में मुस्लिम लीग दोन और पीपल्स पार्टी में एक तो पंजाब में शरात इकतदार फार्मूले पर जो है वो डेढ़ लाख बरकरार है अभी तक दूसरा बिलावल भुट्टो ने नेशनल पार्टी और मोहसिन दावर को अली वजीर को और इसके, इसके साथ साथ सरदार अख्तर मेंगल को सरदार अख्तर मेंगल साहब जो हैं उनको मिलनी थी वजारतें लेकिन उन्होंने जो गुज्तर रोज चार में एक सानिया पेश आया उसके बाद उन्होंने कहा कि जब तक इस सानी की तहकीकत नहीं हो जाती उस वक्त तक वो काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे और उन्होंने वजीरम से ये गुजारिश भी की है कि इसके ऊपर जुडिशल कमीशन जो है वो कायम किया जाए अब पीपल्स पार्टी के जो बिलावल भुटो जरदारी हैं चेयरमैन उन्होंने चूंकि तमाम तर गारंटी ली थी मोहसिन दावड़ को अली वजीर को और अवामी नेशनल पार्टी को इस बात पर कायल किया था कि उनके तमाम तर तहफात जो हैं वो इस गवर्नमेंट में जो नई मुंतखब होगी उसमें दूर किए जाएंगे लेकिन चूंकि तीनों के जो तहफात हैं वो दूर नहीं किए गए और पीपल्स पार्टी गारंटर है इन तीनों की जानब से उन्होंने गारंटी दी है तो आप बिलावल भुट्टो दरदारी आज रवाना हो रहे हैं लंडन में और वो वहाँ पर सेमिनार में शरीक भी होंगे और इसके साथ साथ नवाज शरीफ से मिलेंगे मुलाकात करेंगे और मुलाकात में वो ये तमाम तर हैं तो फिर फिर ये ये हमारी तला ये दुरुस्त है कि जब तक वो वह पैमान जो बिलावल ने इन जमातों के साथ कर रखे थे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो थी अपोजिशन पार्टीज़ की जब तक वो पूरे नहीं होते तब तक वो भी हल्फ नहीं उठाएंगे चूँकि उन्होंने गारंटी दे रखी है तो फिर ये तासुर या ये तला दुरुस्त होगी जामी साहब ये हंड्रेड एंड टेन परसेंट ये चीजें कन्फर्म है कि जब तक जो इतिहादी साथ जोड़े हैं पीपल्स पार्टी ने अपने साथ और नू लीग की जानब से जो यकीन दहानियां करवाई गई हैं जब तक इनके ऊपर अमल दरामद नहीं होता उस वक्त तक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो अपने अहदे का हल्फ नहीं उठाएंगे ये उन्होंने कन्फर्म कर दिया है और आज जब मोहसिन दावड़ से हमारी बात हुई उन्होंने भी यही कहा कि जिस बिना पर हमें इस इस जगह पर लाया गया और जिस बिना पर हमने इतिहादी बने हमने इनको वोट दिया अदम एतमाद में वो हमारे तमाम तर तहफात अभी भी हैं और उसके ऊपर हुकूमत ने हमसे वादा किया था कि जब आप हमारे आप हमारे इतहादी हैं हम आपके तमाम तहफा दूर करेंगे लेकिन दूर भी नहीं किए गए वजारतें भी नहीं दी गई चले वजारतें नहीं भी हैं मामले खसूसी भी बनना था तो वो भी नहीं बनाया गया मतलब जो जो उनके गुजारिशात थी उनके ऊपर अभी अमल दरामद नहीं हुआ

लेकिन अब यह है कि पीपल्स पार्टी तो शामिल हो गई है हुकूमत में काबीना में पहले तो आके शेख ने देखा इधर उधर, इधर, उधर। फिर सर झुका के दाखिले महखाना हो गया लेकिन अभी उन्होंने ज़ाती तौर पर हलफ नहीं उठाया गया वैसे असूली बात तो ये है कि बी एन पी भी हो जो एन पी हो मौसन दावड़ हो इनको भी काबीना में शामिल कर लेना चाहिए इनके तहफा दूर भी होने चाहिए इनको भी ठंडे दिल से मामला पर गौर करना चाहिए हर वक्त आप गम गुस्से में भरे ना रहें और नाखुन तदबीर से भी काम नहीं जो गमो गुस्सा रहा है उसको दूर करने का तरीका यही है कि उन्हें ऑन बोर्ड करें ठीक हाँ, है उन्हें हिस्सा बनाए गर्मी उनके गर्मिया गफ्तार जो है ना हाँ। वो हर वक्त आमनी देती लेकिन बहरहाल ये सब हजरा जो हैं इनसे बातचीत करके इनको अतमाद में ले कर और आगे बढ़ना चाहिए बाकी तो काबीना एक अच्छी खासी वज़नी काबीना बन गई है और आ, पीपल्स पार्टी भी खुद व खुशू के साथ शरीक हो चुकी है और मुस्लिम लीग नून की दोबारा जिम्मेदारी आ रही है अब आ, आ, उन्होंने चार खुवात इस काबीना का हिस्सा हैं जो माजी की नस्बत ज़्यादा हैं लेकिन इस काबीना में कोई गैर मुस्लिम शामिल नहीं है खैर वो भी आ जाएंगे हाँ उनकी भी नुमाइंदगी हो जाएगी और जे यू आई को और सर आपका बहुत शुक्रिया अच्छा ज़ाहिर दुरानी साहब भी हो गए विफाबली फजमान के बेटे जो असद हैंद असद महमूद जी वो, वो मवाद के वजी होंगे इन बातों से मुझे याद है हमारे हजरत खबला ताहिरशीफी साहब क्या बनेगा रशफी साहब तो क्योंकि सियासी मशीर तो नहीं थे ना वो तो खारजी अमूर पे मशीर थे मशरक वस्ता एक टेक्निकल थी जॉब थी उनकी तो हो सकता है कि वो कंटिन्यू करें मैं सुना है कि कोशिश हो रही है के? कि वो वो कंटिन्यू करें हाँ, क्योंकि उन्होंने ये बात दुरुस्त है मशरक वस्ता के कि जो मामला थे उसमें बड़े तूफानी दौरे भी किए आते जाते रहे सऊदी अरब से खास तौर पर उन्होंने जो मामला को बेहतर करने में आ, बड़ी गर्म दोषी इन दिनों अलबत्न को एक दूसरे के साथ तहमुल का मुदाहरा करने का मशा देते दिखाई देते आज तो वो श्रीलंका के सफारत खाने पर गए प्रांतक्रांता कुमारा, वाला जो क्या कुमारा था। का जो फैसला आ गया एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने बड़ा एंटी आहम आहम फैसला ने दिया। बहुत अहम फैसला किया कई लोगों को मौत की सजा हुई उम्र कैद जी छः को मौत की सात को उम्र कैद और बाकी छिहत्तर जो लोग थे चौंसठ खालिबन उनको दो साल की कैद साल कैद की सजा हुई एक शख्स को भरी कर दिया गया अब देखें इस पर अपील भी होगी और उम्मीद की जानी चाहिए जिस तेज़ रफ्तारी से मुकदमा जो है पुलिस ने भी प्रोसिक्यूशन ने भी बड़ी मेहनत से काम किया और मुकदमा जो है उसकी समाप्त हुई उसको निपटा दिया गया और अपीलें जो हैं उनका भी जल्द फैसला होगा ये एक बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है और पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान जो है पाकिस्तान की जो अदालतें हैं और पाकिस्तान का जो निज़ाम है कानून का वो एक तमाम तर दबाव के बावजूद और शिकायतों के बावजूद वो अपनी जगह मौजूद है और उसमें ये सकत है कि वो हालात का सामना कर सके और ये जो मॉब लिंचिंग जो है मेरा ख्याल इसकी शिद्दत से हौसला शिकनी होगी ये सजाएँ जो हैं लोगों को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करेंगी और हमारे तमाम मजहबी रहनम और मजहबी जमातें भी इस मामले में कानून के साथ खड़ी रही है वैसे जाम साहब ये बात कहनी पड़ेगी कि इस खास वाक़े में जो मेजॉरिटी थी मजहबी जमातों की क्राम की उन्होंने यक जुबान होकर इसकी मजम्मत की थी और इसको जित हद तक हो सकता है कन्टेम किया था और ऐसे जज्बात को उभारने वालों की भी मजम्मत की थी और श्रीलंकन आवाम के साथ श्रीलंकन शहरी की अहिल खाना के साथ मतलब पाकिस्तान की तमाम जो जरादरियाँ है, कम्यूनिटीज़ हैं वो जुड़ के खड़ी थी वह एक श्रीलंका इस वक्त बदकस्मती से बदतरीन तो है और लंबी लंबी, लंबी लाइनें लगी हुई हैं फ्यूल नहीं है नहीं है दिवालिया डिक्लेयर कर दिया उन्होंने अपने आप को जो गैर मुल्की कर्ज हैं वापस नहीं हो रहे और एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार है लेकिन यह है कि बहर पाकिस्तान ने यह तो हमारे अपने दाखिली नज्म का भी तकाजा था ना देखिए कानून जो है किसी शख्स को हक हासिल नहीं है कानून को हाथ में ले और यही हमारा पैगाम है हमारे सियासतदानों के लिए भी और हमारे दानश्वरों के लिए भी कि वो अपने अदालती निज़ाम को पुख्ता करें उसके पीछे खड़े हों और जो भी बाहमी तनाज़ात हैं अदालतों के ज़रिए तय करें सड़कों पर मजाहरों में जुलूसों में ये आज रिमार्कस भी बड़े अहम है सुप्रीम कोर्ट के इसी नुकते पर जिसकी जानब आप इशारा फरमा रहे हैं जो आर्टिकल त्रेसठ की तशरी वो बाद में ज़र बहस लाते हैं लेकिन अभी ज़रा पंजाब की सूरत हाल का भी जायजा लेते हैं यहाँ पर उस्मान भुजार साहब का इस्तीफ़ा भी एक मम्मा बना हुआ है हमजा शहबाज साहब वजी मुंतखब हुए हैं उनकी हलफबरदारी नहीं।, नहीं हो पा रही गवर्नर हर लेने को तैयार नहीं है वो

उसमें खुद अदालत ने तारीख दी तारीख दी हाँ। और नॉमिनेशन जो दी हाँ। आ, उस्मान बुजदार साहब ने हाँ। आ, यानी उसमें कॉन्सेंट थी उनकी परवेज लाइफ साहब की नॉमिनेशन में और फिर उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा मैंने इस्तीफा नहीं दिया हाँ। इस्तीफा मंजूर हो गया हाँ। वो सुबक दोष हो गए अब वो एक एक केयर टेकर या निगरान हाँ। वजीर आजम के तौर पर वजीर के तौर पर काम कर रहे हैं अब गवर्नर पंजाब जो हमारे उनको ये ख्वाब आया कि ये तो वजीर अल वजी अजम को पेश करना चाहिए था ये तो गवर्नर को उन्होंने फाइलें जो उठाई हैं हाँ। तो फिर गवर्नर पंजाब जो सरवत चौधरी साहब हैं हाँ। उनकी गलती निकालते निकालते इस्तीफा तो ही नहीं लिहाजा उनका इस्तीफा नहीं नहीं इस जितनी भी पेशरफ हुई है वो सारी गैर आईनी है ये मतलूब है इस मामले में अब वो उस्मान बुजदार साहब को बहाल करना चाहते हैं पता नहीं या बेहाल करना चाहते हैं अंसारी साहब ये क्या मामला हुआ एडवोकेट जनरल क्या कहते हैं गवर्नर किस मिशन पर हैं और इसकी कानूनी और आयनी माहरी ने इस नुकते की तकनीकी नुकते की क्या वजाहत देते हैं देखिए सत्रह अप्रैल को गवर्नर पंजाब उमर सफराज चीमा ने जो है वो एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस को ये खत लिखा था कि जो आ, उस्मान बुजार का इस्तीफा था उसके हवाले से जो है वो गवर्नर पंजाब उस वक्त के जो थे जो इस परवर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि उनसे दबाव डालकर जो है वो इस्तीफा मंजूर करवाया गया और उन्होंने गैर आयनी तौर पर एक इकनाम उठाया जिसका उन्होंने एतराज किया और साथ ही साथ जब उस्मान गुजदार ने इस्तीफा दिया था तो मुस्लिम झूल के रहनमाओं ने रात बारह बजे इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह निशानदेही की थी कि उस्मान बुज़दार ने जो है इस्तीफा प्राइम मिनिस्टर के नाम लिखा है तो उन्होंने आईनी काज़ा पूरा नहीं किया इसलिए यह इस्तीफा कबूल नहीं समझा जाएगा हुँ। जिस पर जो है फिर आज ए, सत्रह अप्रैल को इन्होंने एडवोकेट जनरल को यह तमाम मामलात लिखकर दे और कहा कि अपनी कानूनी राय दी जाए कि क्या जो उस्मान गुजदार का इस्तीफा है वो तकनीकी तौर पर दुरुस्त है या उसमें खामी है तो एडवोकेट जनरल ने जो है वो आज तो शहर को अपना खत जो है जवाब उसने भिजवा दिया है वो क्या कहते है? ये कहा गया उन्होंने कहा कि आईन के आर्टिकल 130 की जो सब सेक्शन आठ है उसके तहत बुनियादी तौर पर उस्मान गुजदार को जो है वो इस्तीफा जो है वो गवर्नर पंजाब के नाम एड्रेस करना चाहिए था लेकिन उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को एड्रेस किया फिर दूसरा जो है कि इस्तीफा जो उन्हें तहरीरी तौर पर लिखना चाहिए था लेकिन उन्होंने इस्तीफा जो है टाइपशुदा इस्तीफे पर जो है वो दस्तखत किए तो ये आइन के आर्टिकल एक के सब सेक्शन जो है आठ है उसके तकाजे पूरे नहीं हो रहे इसलिए इस इस्तीफे के जो तकाजे हैं कानून के मुताबिक वो पूरे नहीं हुए जिस पर जो है वो आज अफ्तारी के बाद गवर्नर पंजाब ने आईनी जो माहरीन है उनका एक इजलास तलब किया है जिसमें वो दो सवाल उनके सामने रखना चाहते हैं कि एडवोकेट जनरल की राय की रोशनी में यह इस्तीफा जो है वो आर्टिकल के तकाजे पूरे नहीं कर रहा तो बताया जाए कि इस वक्त उसमानदार का आइनी तौर पर क्या स्टेटस है अगर यह इस्तीफा ही गलत था तकनीकी तौर पर गलत शख्स को एडजस्ट किया गया जो कि मंजूर करने का प्राइम मिनिस्टर मजाजी था इस्तीफा तो गवर्नर ने मंजूर करना था और आइन में उसी का जिक्र है एक सवाल तो ये रख रहे और दूसरा जा रहे हैं ये बहुत शुक्रिया तो सर चौपट हो गया मामला सारा ये तो दिलचस्प किस्म की उस सर्कस में अब रहेंगे हमजा शहबाज भी गवर्नर पंजाब भी एक बात है अलबत्ता उस्मान बुजार साहब अभी तक उनका किला कायम है चाहे को माने या ना माने नहीं। वो तो वजी है ना है जी बिल्कुल अभी वजीरा हाँ। और जब तक ये मामला तय नहीं होगा रहेंगे और हो सकता है गवर्नर पंजाब उनको बहाल कर दे वो कहें की जी इस्तीफा दुरुस्त नहीं था लिहाजा ये आईनी तौर पर वजे अला पंजाब यही है मगर उन्होंने कोई बेचारों ने एजुटेट नहीं उन्होंने वो करते भी नहीं है पता उनकी शहरत भी ऐसी नहीं उन्होंने ये नहीं कहा मेरा इस्तीफा गलत है इसे क्यों मंजूर किया गया हाँ। ये गवर्नर पंजाब जो है उनको खाब आया है अब देखिए क्या नतीजा निकलता है नया आईनी बहरानी क्या फायदा जो होगा, भी होगा यहाँ भी एक बार फिर से आपके सियासी राहنماؤں को आपकी parliament को आपके उहेददारों को अदालत का दरवाजा खटकाना पड़ेगा जाहिर अदालत ही फैसला करेगी कब तक जब तक जब parliament के वजूद का क्या फायदा नहीं फ़ायदा तो अपनी जगह है ना जब झगड़ा कोई होगा तो फिर है के अदालत फैसला करेगी चलें एक गर... एक ब्रेक लेते हैं वापस आते हैं तो फिर हर मामले में साजिश लेकिन कैसे और क्यों क्या बयान हैं माजी में और आज और फिर सुप्रीम कोर्ट में हुई अहम समाज का वेलकम बैक नाजिन कल आपको याद होगा हमने प्रोग्राम में जिक्र किया था जब कुछ साहफी दोस्त हमारे मिले सदिक वज्रजम इमरान खान साहब से बनी गाला में तो उन्होंने दो तीन अहम बड़े नुकतों पर इजहार ख्याल फ़रमाया एक तो उन्होंने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की तयनती के हवाले से अपना माफ़ी ज़मीर बयान किया कि यह डेड लॉ था और इस्टबलिशमेंट कहने पर उनको लगाया गया दूसरा काजी फ़ायज़ ईसा साहब का जो रेफरेंस था उसको उन्होंने ग़लती माना अपनी और कहा कि वजारत कानून ने रेफरेंस दिया तो फिर हमने रेफरेंस को आगे बढ़ाया ये भी एक गलती थी अदालत से उलझना नहीं चाहिए था तो अब ये जो दोनों मामला थे उसमें शामिल साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मामले से पहले बात शुरू करते हैं कि खान साहब ने कल कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर लगाया डेड लॉक था वो जो कमेटी जो अब तो वो रेफरेंस दायर करना चाहते हैं ना उनके खिलाफ देखिए एक तरफ तो वहाँ फॉरेन फंडिंग केस जो है उसकी समाप्त हो रही है जी हो रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि तीस दिन में फैसला करें वहाँ भी उनके वकील ने कमीशन चूंकि मुकम्मल नहीं उस पर एतराज़ उठा दी मगर उसमें कहते हैं तीन अरकान तो तो हो, तो कमीशन मुकम्मल है उसका कवायद यही कहते हैं तो बात यह है कि वो फॉरन फंडिंग केस तो सात आठ साल से चल रहा है अब खास अब जो है रेफरेंस दायर करना चाहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तो ये जाहिर है कि इसको मेलफ आई डी करार दिया जाएगा इस रेफरेंस की कोई लीगल हैसी होगी क्योंकि अगर किसी शख्स के खिलाफ मुकदमा चल रहा हो और वो रेफरेंस दायर करे तो उसकी कोई हैसियत तो नहीं होगी दिलचस्प लेकिन देखिए वो जो एक कमेटी थी सर जिस जिसकी जिसने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतखब और जो ई सी पी के मेम्बर्स हैं उनका इंतखा करना था मुशावरत के ज़रिए कई अदवार उसके कमेटी के जिसमें पार्लिमेंटेरियंस शामिल थे उसमें उस कमेटी के एक दौर के बाद श्री मजारी साहबा ने क्या कहा था इसी मौजू पर वो देखिए आज हमारी कमेटी का तेरवा तेरहवीं सिटिंग थी और हमारा फैसला बाय कंसेंसस हो गया है तीनों वैकेंसीज पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब होंगे

तो फिर ये कहना कि वो डेड लॉकड लॉन्ड देखें अब, तो, अब इम, ये तो इमरान खान साहब जो भी चाहें कह सकते हैं और जो अब देखिए काजी फाइजा के मामले में तो फ़रग नसीम साहब जो हैं और हमारे फवाद चौधरी उलझ पड़े हैं और फ़रोग नसीम साहब ने तो बहुत सख्त लफ्ज इस्तेमाल किया उनके लिए बकवास का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो अब ये अब मामला जो हैं इनको संभालने चाहिए अब इस तरह का इसमें एक बारीक मुद्दा भी था ना सर अगर सारा मामला वजारती कानून पर डाल रहे हैं तो वजारत क़ानून तो आपके मातहत थी और वजारती कानून ने रेफरेंस की जो बुनियादें ढूंढी वो बड़ी अहम नुकता है वो शहजाद अकबर साहब की एस एफ रिकवर यूनि एस रिकवरी यूनिट के उनके मात रिकवरी यूनिट जी तो बहरहाल देखिए वज़ी अजम को ज़रूर जायज़ा लेना चाहिए जो गलतियाँ उनसे हुई हैं लेकिन इस तरह उसका आज़ाद नहीं होना चाहिए कि मज़ीद गलतियाँ जो हैं उनका उनका जवाब फराम कर दिया जाए तो ये सर कोई बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है खान साहब के बयान में उनके फैसलों में अब गलतियों का अतराफ़ करके क्या साबित करना चाह रहे हो होशा खाना पर जिनका बयान सामने तोशा खाना पे तो उन्होंने ये बात तो हो गई ना मान ली कि तोहफे लिए गए तोशा खाना से ख़रीदे गए और फिर बाजार में बेचे गए और इमरान खान साहब ने ये बात कही है कि जैसे डिफेंस में डी एच ए के प्लॉट प्लाट अलाट होते हैं ना तो उसके बाद जिसको ओलाट होते हैं प्लाट उसकी मर्जी वो बेच दे या अपने पास रखे तो यानी एक इसका कानूनी पहलू है यानी जिसको आप तोहफा देते हैं क्या वो बेचने का मजाज होता है यानी एक कानूनी बात है ये और एक इसका अखलाकी पहलू है तो खासा बार बार अपनी सियासत में अखलाकियात पर जोर देते रहे जी जी और अखलाक के हवाले से गुफ्तू करते रहे अब उनको भी इसका सामना करना पड़ेगा कानूनी तौर पर क्योंकि तो माजी में वो वजा गिलानी साहब हूँ नवाशिफ साहब हूँ जरदारी साहब हूँ उनके तोशा खाना के हवाले से जो मामला थे उसको बड़ा हाई किया करते थे अगर आप एक मकर्रा रकम दे के खरीद सकते हैं तो फिर तो ए खरीद ले या बी खरीद ले उस पर ऐतराज नहीं हो सकते फिर तो सब पे लागू नहीं सब पे लागू होगा तो फिर बात यह है आपने वो चीज़ें बेची है क्या बेचना मुनासिब था इसका जवाब कानून को देना चाहिए अगर अगर आपकी मलकियत हो गई थी तो फवाद चौधरी तो साहब कहते हैं कि नहीं इसमें कोई मजाक नहीं मगर अखलाकी तौर पर ये एक सवाल जेर बहस रहेगा कि भाई आया आपके ये जो तोहफे हैं आप उनको खरीद कर इस तरह फरोख्त कर सकते हैं इसमें एक बात जो है थोड़ी सुपकी का पहलू निकलता है अच्छा सर ये आर्टिकल तिरसठ की सदारती रेफरेंस और अहम समात आज फिर हुई है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स हैं कि ये कल्चर बन गया है कि फैसला हक में आए तो इंसाफ खिलाफ आए तो इंसाफ तार तार हो गया है तार तार हो गया देखिए ये हमारे और फारूक एश नायक साहब ने अपने दलायल में एक और बड़ी अहम बात की उन्होंने कहा मुल्क अनारकी की जानेबड़ा है कोई फैसले को मानने को तैयार नहीं हो रहा नहीं ये ये बात तो कहना गलत है फैसले माने जाते हैं उन पर अमल होता है उन पर एहत हो सकता है तनकीद हो सकती है लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले माने जाते हैं अमल होता है जिससे अमल नहीं होगा अनार्की उस दिन होगी और और सारी जो सियासी जमातें हैं और सारे मुमल्कत के ادارے हैं उनको अदालत के साथ खड़ा होना चाहिए अदालत का फैसला नाफिज होना चाहिए खा मुझे पसंद हो खा ना पसंद हो ये फारूक शेख से कुछ दलील है जो आपने कहा नामناسب इस पर जवाब में रिमार्क्स है चीफ जस्टिस साहब के के हालात इतने खराब नहीं है आ, बात ना करें बिल्कुल ठीक हाँ। ये कहना कि अनारकी हो गई है खुदा ना खास नहीं आज भी पाकिस्तान का अदालती निजाम इस काबिल है कि अपनी रिट जारी करे और उसकी रिट उसकी बात मानी जाती है किसी को जरूरत नहीं हुई आजम घर गए उन्होंने जेलें काटी वो फांसी पर लटक गए अदालत के फैसले जो थे वो नाफि हुए और अब भी नाफि होंगे कोई जलूस कोई मजारा कोई हजार ख्याल अदालत का रास्ता नहीं रोक सकता इसलिए हमारे सियासतदानों को यह बात मद्देनजर रखनी चाहिए ये उनकी भी शील्ड है आज भी जब पीटीआई को शिकायत हो रही है जब शहजाद अकबर को शिकायत हुई जब शहबाज गिल को हुई वो कोर्ट पहुंचे अदालत में पहुंचे उसी कोर्ट के पास पहुंचे जिसके ऊपर उनकी अरकनी असम्बली

और जो इलेक्शन कमीशन की नई हलका बंदी है उसके खिलाफ दरख्वास्त दायर की तो और यासिन इकबाल साहब ने एक बयान दिया है कि नई हलका बंदी और इंतबी असलाहत आम इंतबा की राह में रुकावट है आपको याद होगा जब यह प्रोसेस शुरू हुआ था इलेक्शन कमीशन ने एक तफसीली प्रेस रिलीज़ जारी की थी कि हल्का बंदियों में कितनी देर लगेगी और अगस्त तक का वो वक्त दे रहे थे मांग रहे थे तो उसके बाद अब सवाल ये पैदा होता है कि पीटीआई तो मांग रही है फौरी इलेक्शन साथ चैलेंज भी कर रही है गवर्नमेंट भी इलेक्शन कमीशन अब कई मामला को वजह बना के कह रहे हैं कि फौरी नहीं हो सकते तो क्या बाकी मानदा मुद्दत पूरी होगी या फिर कुछ जल्द इलेक्शन की पड़ी आई को हक हासिल है जो भी उसको शिकायत है वो अदालत में लेके जाए और वहां से फैसला कराए तो अब अदालत मान ले पर। और जो इलेक्शन कमीशन है उसने अपना काम करना है सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम करना सियासी जमातों को अपना काम करना चाहिए कानून और आइन के दायरे में रहकर अपनी सरगर्मियां जारी रखनी चाहिए खास साहब को अपोजिशन लीडर के तौर पर काम करने का अपनी बात कहने का अपनी आवाज बुलंद करने का हक हासिल है और जब उन पर कोई उनके खिलाफ कोई गैर कानूनी इकदाम होगा उस पर भी सजाएत बल खान साहब अगर बाकी मानदा मदद पूरी कर लेते और उसके बाद इंतखात में जाते तो मकबूलीत का यही आलम होता जो आज एक ख़ास बयानी की वैसे उनके हिस्से में आया ये ये सब मतलब मफरूज़े हैं आज क्या मकबूलीत है कल क्या होगी अगर अगर बहुत मकबूल हैं वोट हासिल करते हैं आइए तशरीफ़ लाइए पहले भी अपोजिशन में थे फिर इकतदार में आए ये तो आपको दौड़ लगानी है उसी मैदान के अंदर ये नहीं है आप मैदान से बात दौड़ नहीं लगा अब तो खान साहब जो है वो जो सोशल मीडिया की मुख्त प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ भी एक्टिवेट होने लगे हैं ट्विटर स्पेस करने जा रहे हैं अपने चाहने वालों के साथ मकबूलीत तो उनकी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है ट्रेंड नीचे नहीं आ रहा लाहौर में जलसायाम भी वो करने जा रहे हैं जिसमें मेरी तलात के मुताबिक अहम फैसला अहम ऐलान भी वो करेंगे जो जिसकी खिदोखाल कुछ ऐसे हो सकते हैं कि शायद वो हकूत वक्त को सिस्टम को एक डेड लाइन दें जल्द इंतबा के लिए वो पूरी ना होगी तो उसकी सूरत में धरना लॉन्ग मार्च की वो कॉल दे सकते हैं और हफ्ता बार तो जारी रहेगा ही भाई जो वो करें उनको करने दे कानून के और आइन के दायरे में अभी तक तो कानून बस के करने, करने दे, दे।, दे। कानून और आइन आप, दाएरे दाएरे आप दाएरे ना आपकी पेशगोई से वो काम चलेगा ना उनकी ना मेरी पेशगोई है कि ब्रेक है सर अल्लाह खर्च एक ब्रेक नाजी नाजिन इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होना चाहते हैं आपसे मुलाकात कल तब तक के लिए अल्लाह